नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है वैभव शर्मा और आप सभी लोगों को आज मैं जानकारी दूंगा खंदौली और शमशाबाद की निकासी के बारे में जानकारी। और दोस्तों मुख्य मुख्य बिंदु मैं आपको बता देता हूँ, कौन से कोल्ड स्टोर में 650 रुपये कट्टा बिक रहा है, मैं उसके मालिक का भी नाम बताऊँगा और कोल्ड स्टोरों का नाम भी बताऊँगा। आज आप सभी लोगों को ये शिकायत रहती है आप कोल्ड स्टोरों के नाम नहीं बताते हैं। तो दोस्तों कुछ लोग ये कह रहे थे कि आलू महंगा नहीं बिक रहा है, आलू वही रेट बिक रहा है, 500 रुपये 550 रुपये बिक रहा है। दोस्तों तो आलू में उतार चढ़ाव लगा रहता है। अच्छे कोल्ड स्टोर जो आज भी है, जो बढ़िया कोल्ड स्टोर है, जो किसान के हित में काम कर रहे हैं, उन लोगों के यहाँ रेट से आलू आज भी बिक रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, जो लोग सवाल करते हैं ना कि 650 रुपये कट्टा आलू कहाँ बिक रहा है, तो मैं उन लोगों के लिए आज मैं जवाब दूंगा कि 650 रुपये कट्टा यहाँ बिक रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे खंदौली की, पूरी खंदौली की निकासी के बारे में। ज़्यादा लंबा वीडियो दोस्तों खींचना नहीं है, एक लिमिटेड आप लोगों को जानकारी देनी है दोस्तों। और दोस्तों जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें, शेयर किया करें। ये जानकारी जितने भी किसानों के पास पहुँचे वो एकदम सही पहुँचे। और जितने भी मैं कोल्ड स्टोर वालों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो अच्छे कोल्ड स्टोर वाले हैं उन लोगों की बताना चाहूँगा, जिन कोल्ड स्टोरों में ये रेट आलू बिक रहा है आज भी, तो वो किसानों के आपने अपने माध्यम से किसानों को ही बताना चाहूँगा कि आप लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता है। मैं आज पहली बार अपने चैनल पर कोल्ड स्टोर का नाम लूँगा किसी का और उनका बताऊँ, क्योंकि मेरे को लेना पड़ा मुझे, क्योंकि सब लोग ज़्यादातर कमेंट में यही सवाल करते हैं कि कौन से कोल्ड स्टोर में बिक रहा है। सिकोआबाद से किसान मेरे पास सवाल करते हैं, हर जगह से, सिकोआबाद से, MP से, मुरैना साइड से भी सवाल करते हैं, और शमशाबाद के किसान सवाल करते हैं, फतेहाबाद के किसान सवाल करते हैं, हर जगह के किसान मेरे से सवाल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले दोस्तों मैं बताऊंगा आप लोगों को निकासी के बारे में, शमशाबाद की, और रेट के बारे में, वहाँ पे क्या रेट आलू बिक रहा है। तो वहाँ पे दोस्तों वहाँ भी रेट बहुत अच्छे चल रहे हैं और निकासी बहुत अच्छी चल रही है। मेरे अनुमान के हिसाब से दोस्तों, जो मैंने जानकारी इकट्ठी की है, तो शमशाबाद और फतेहाबाद की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो निकासी वहाँ पे लगभग 45 से 50% के आसपास कोल्ड स्टोरों में से हो चुकी है दोस्तों। और रेट की बात करें अगर हम वहाँ पे, तो रेट दोस्तों वहाँ पे बढ़िया आलू के अभी भी 625 रुपये, 600 रुपये की सौदा आराम से हो रही है, 625 रुपये के आसपास, 600 रुपये के आसपास सौदा हो रही है दोस्तों। 302 आलू होता है वहाँ पे, और आलू एक नंबर VIP आलू की बात हो रही है। बढ़िया आलू दोस्तों, कोल्ड स्टोर में हर तरह का आलू होता है, अच्छा भी होता है, ख़राब भी होता है। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए और होने वाला है दोस्तों, बताऊँगा मैं आप लोगों को कि कोल्ड स्टोर का नाम लूँगा, कौन से कोल्ड स्टोरों में सौदा क्या रेट हो रही है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे बड़ी, एक बहुत बड़ी सच्चाई मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ खंदौली के बारे में। तो खंदौली की अगर हम बात करें दोस्तों, तो खंदौली में जितने भी कोल्ड स्टोरेजेस हैं उसमें से लगभग फुल जो कोल्ड स्टोरेज हैं, लगभग 30% कोल्ड ऐसे हैं जो फुल थे एकदम, जो जिनको हाउसफुल बोल सकते हैं। और दोस्तों ये कोई नहीं बताएगा, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ एकदम सटीक जानकारी। और दोस्तों अब तो 1-1.5 महीने का समय रह गया किसानों के लिए, किसान आलू निकालने लगे हैं, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी है कि किसान कोल्ड स्टोरों का रुख खूब बढ़िया कर रहे हैं और सौदा होने लगी कोल्ड स्टोरों में, और निकासी भी खंदौली में। आज हम खंदौली की ओनली बात करेंगे, खंदौली और शमशाबाद की, इन दोनों जगह पे दोस्तों निकासी बहुत बढ़िया चल रही है कोल्ड स्टोरों में से, 3-3, 4-4 गाड़ी हर कोल्ड स्टोरेज में से लोड हो रही है और किसान आलू बेचने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब दोस्तों सौदा की बात करें शमशाबाद में, तो शमशाबाद में जो एक्स्ट्रा सुपर VVIP आलू बिक रहा है वो 625-600 रुपये कट्टा के आसपास बिक रहा है, और जो हल्के आलू हैं दोस्तों वो 550-500 रुपये के आसपास भी आलू दोस्तों बिक रहे हैं। अब दोस्तों मैंने बताई आप लोगों को सबसे बड़ी चीज़ कि ऐसे ही शमशाबाद का हाल था, हर जगह का हाल दोस्तों यही था, कहीं भी कोल्ड स्टोर इस साल जो हमने शुरू में दिखाई, कुछ लोग ये कहते हैं कि आपने बताया नहीं था कि अरे आप तो ये कह रहे थे कोल्ड खाली रहेंगे, फलाना होगा ठिकाना होगा। दोस्तों तो अगर इतना ही ज़्यादा अगर आलू फटा पड़ता, मैं आपको एक सही बात बताऊँ कि इतना ही अगर आलू ज़्यादा फटा हुआ होता, तो आज आलू 250-300 रुपये कट्टा नहीं बिक रहा होता, आप मुझे बताइए आप लोग। और दोस्तों एक चीज़ सबसे बड़ी मैं आप लोगों को ये बताऊँ, हसन के नाम पर कितना लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता था। अगर मैं हसन नहीं जाता और आप किसान भाइयों को, या हम ये कह रहे हैं कोल्ड स्टोर मालिक हों या व्यापारी हों या कोई भी, जो जानकारी हमने दी सब लोगों को बहुत पसंद आई। आड़ती जो बेंगलोर और जो साउथ की मंडियों में बैठे हुए हैं, वो व्यापारियों को और कोल्ड स्टोर वालों को कैसे मिसगाइड किया करते थे, वो लोग ये कहते थे कि अरे हमारे यहाँ तो लाइन लगी पड़ी है, आलू मत भेजना। अब घबराहट में लोग आलू सस्ता हो जाता था इसी चक्कर में, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हमारा चैनल का जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं एग्रीबडी अदैत को, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है हसन के बारे में, जो हसन की जो हम लोगों ने जो धुंधलापन था वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, अब होगी बिल्कुल पारदर्शिता। उससे क्या होगा कि आगे चल के किसान भाइयों को, जितने भी मेरे किसान जुड़े हुए हैं, सब लोगों को हसन का हुआ ख़त्म हो गया, हसन में कुछ नहीं है दोस्तों। अब हसन का आलू कहाँ है, जब बेंगलोर मंडी से फ़ोन आड़ती को फ़ोन करते थे कि अरे इतना आलू है, पहले भरा पड़ा है, ढेर लगे पड़े हैं, कहाँ हैं दोस्तों आलू अब,
अब नहीं, हसन का आलू बिल्कुल दिखाई दे रहा। और फिर ये तेजी में क्यों नहीं दिखाई देता हसन का आलू, कभी सस्ते में ही दिखाई देता है हसन का आलू। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं लास्ट में चल के कोल्ड स्टोरों की, खंदौली की बात करते हैं। तो खंदौली में दोस्तों कई कोल्ड स्टोर ऐसे हैं जिनमें 650 रुपये कट्टा आज भी आलू बिक रहा है। हमारे यहाँ दोस्तों टूंडला की बात करें तो यहाँ खस्ता हाल इस समय कर रखा है, हमारे यहाँ 500 रुपये से आलू महंगा बिक नहीं रहा। उसके बाद किसान भी निकल रहा है इस समय, किसान बेचने को खूब अच्छी तरह इच्छुक है। खंदौली में निकासी बहुत अच्छी चल रही है, शमशाबाद में भी निकासी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कुछ लोग ये कहते हैं कि आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो मैं धीरे धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ। अब मैं आपको बताऊँ एक चीज़, खुद खंदौली के मैंने जो जानकारी ली है वो दो कोल्ड स्टोरेज है, एक तो कृष्ण गोपाल कोल्ड स्टोर है, वहाँ पे 650 रुपये का आलू एक हफ्ते से बिक रहा है, जो VVIP बढ़िया आलू है। और दोस्तों एक कोल्ड स्टोर राधे राधे कोल्ड स्टोरेज है, ये एक ही मालिक के किसी कोल्ड स्टोर है दोस्तों, और इनमें आलू अभी भी 650 रुपये कट्टा एक हफ्ते से लगातार कंटिन्यू बिक रहा है। आप लोग वहाँ जाकर पता कर सकते हैं, मैंने जो जानकारी ली है उनके महेश जी हैं, उनसे मैंने बात की है, वो कोल्ड स्टोर मालिक है, मैंने उनसे बात की है, उनके कोल्ड स्टोर में ये रेट आलू बिक रहा है खंदौली में। अगर जिन लोगों को संशय है, जिन लोगों को मन में वो है, वो लोग वहाँ जाकर पता कर सकते हैं कि हाँ आपके यहाँ ये रेट बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। और मैं अपने माध्यम से जितने भी कोल्ड स्टोर मालिक हैं खंदौली के या कहीं के भी, मैं उन लोगों को यही बताना चाहूँगा कि किसान इतना जागरूक होता जा रहा है कि आप सभी लोगों को आगे दिक्कत हो सकती है। रेट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आलू 1000 रुपये कट्टा बिकना चाहिए या 800 रुपये कट्टा बिकवाया जाए, आप कौन होते हैं बिकवाने वाले, व्यापारी आलू खरीदता है। पर जो एक जो कुछ कोल्ड स्टोर मालिक हैं जो एक अंकुश लगाए रहते हैं ना, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसान को जो जेन्युइन रेट है वो मिलना चाहिए। आपको भाड़ा मिल रहा है और आपके यहाँ जो बिक्री वाला, हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो सिस्टम से हम सब लोग चल रहे हैं, और आप लोगों को भाड़ा मिल रहा है उचित, तो आप लोग किसान के हित में काम करें। नहीं तो बहुत कोल्ड स्टोर हैं किसान आलू रखते भी नहीं है, बहुत से ऐसे हमारे एटा रोड पर भी कोल्ड स्टोर हैं दोस्तों जो खाली रह जाते हैं, जिनमें आलू रखा नहीं जाता है और साल दर साल बंदर पड़े रहते हैं। तो दोस्तों यही कंडीशन होती है, और अगर आप किसानों से बना के रखेंगे, अगर अपनी क्वालिटी मेंटेन करके रखेंगे, किसान को क्या चाहिए, रेट अच्छी बिके, आलू बहुत बढ़िया निकले कोल्ड स्टोर में से, और किसान को क्या चाहिए दोस्तों। तो आज का वीडियो दोस्तों मैंने इसीलिए आप लोगों को बताया, और खंदौली की निकासी के बारे में बता दूँ आप दोस्त सब लोगों को दोस्तों, तो वहाँ पर लगभग 38 से 40% के आसपास निकासी हो गई है। और दोस्तों एक बहुत बड़ी कटु सत्य खंदौली के बारे में आप लोगों को बता दूँ, कुछ कोल्ड स्टोर खंदौली में ऐसे हैं जो आधे आधे ही भरे गए थे। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो उन कोल्ड स्टोरों में जाके देख लो, कुछ कोल्ड स्टोर ऐसे हैं अगर आप निकल के जाओगे तो उनकी खिड़कियां आज भी खुली हुई हैं, ठीक है ना। जब खिड़की खुली होती है तो इसका मतलब कोल्ड स्टोर खाली है, और मैंने सब पता कर रखा है दोस्तों। कुछ कोल्ड स्टोर ऐसे हैं जैसे 400,000 बोरी का कोल्ड स्टोर है, कोई नाम उस कोल्ड स्टोर का मैं लूँगा नहीं, ठीक नहीं लगता है, उसमें मात्र 1,45,000 इकट्ठे इस साल आए थे। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो निकासी खंदौली में बहुत बढ़िया चल रही है, और किसान निकलने लगे हैं, किसान आलू बेच रहे हैं जाके कोल्ड स्टोरों पे। सभी किसान भाइयों से निवेदन यही करना चाहूँगा दोस्तों मैं, कि अपना आलू धीरे धीरे निकालें, आलू बेचें, हर तरह का रेट लें। मध्य की साल है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी रेट अच्छे मिल रहे हैं, 650 रुपये कट्टा आलू बिक रहा है। मुझे मालूम है किसानों को इस समय कुछ नहीं मिल रहा, कम से कम बराबर तो हो रहे हैं, किसी के कर्जदार ना बने जिससे आपके ऊपर 2 रुपये या 1.5 रुपये सैकड़ा की ब्याज चलती रहे, और वो 1,00,000 रुपये का खर्चा आगे चल के 3,00,000 रुपये में बदल जाए, उसको फिर आप चुका भी नहीं पाओगे। तो दोस्तों आज की जानकारी आप सभी लोगों को बढ़िया लगी होगी, आज मैंने 2 मुख्य बिंदु बात करी शमशाबाद खंदौली के बारे में, और आप सभी लोगों को कोल्ड स्टोर का नाम भी बताया, किस कोल्ड स्टोर में आलू बिक रहा है ये रेट, तो आप उनसे जानकारी आप ले सकते हैं कोल्ड स्टोर पर जाकर कि ये रेट आलू बिक रहा है कि नहीं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कोल्ड स्टोर वालों से सबसे कि आलू अच्छी रेट बिकवाएं किसान का। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो।